नमस्कार ऑल प्रिंसिपल्स टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, 10th बोर्ड एग्जाम प्लेज वाइटल रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। इसमें बढ़िया मार्क लाने के लिए जल्दी शुरुआत करें तो अच्छा है। सो समर वैकेशन इज अ गोल्डन पीरियड। इसी गोल्डन पीरियड का सही इस्तेमाल करने के लिए अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का एबिलिटी बेस्ड एक यूनिक प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो लेट्स सी प्रोजेक्ट वर्क इन समर वैकेशन फॉर 10th अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। प्रोजेक्ट वर्क को सही मायने में समझने के लिए दो एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल वन, चैप्टर स्टेटिस्टिक। दिस इज अ क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। आंसर तीन हिस्सों से बना है। सबसे नीचे कैलकुलेशन, बीच में फॉर्मूला, सबसे ऊपर टेबल दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स को बहुत सारे रेडमार्क यहाँ मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशन एंड हाउ टू फेस फॉर्मूला में गलतियां करते हैं और हमें लगता है उन्हें स्टैटिस्टिक समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें सिर्फ पहले कैलकुलेशन फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हर एक क्वेश्चन की ये दो एबिलिटी सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक की तैयारी हो जाती है। एग्जाम्पल दूसरा, ज्योमेट्री से, चैप्टर मेंसुरेशन। दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। यह भी आप देखेंगे तो आंसर के तीन पार्ट है, नीचे कैलकुलेशन, बीच में इक्वेशन और ऊपर हाउ टू फेस फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में से कौन सा भी एक्सरसाइज सिखाने या सीखने से पहले हम हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन, इक्वेशन, बाद में हाउ टू फेस फॉर्मूला करते हैं या करके लेते हैं या ग्रुप स्टडी में करवा के लेते हैं तो बहुत मैजिकल रिजल्ट हमें मिलते हैं। इसी तरह अलग अलग एबिलिटीज पे मास्टरी पाकर 10th अलजेब्रा ज्योमेट्री का सिलेबस समझ लेना, यही इस प्रोजेक्ट वर्क की सेंट्रल आइडिया है। ये एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने के बाद हमें कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। हर एक एग्जांपल दो या तीन एबिलिटीज से बनता है। स्टूडेंट कहाँ पे वीक है ये उसे और उसके टीचर को सही में समझ में आ जाता है, तो पढ़ना और पढ़ाना दोनों आसान हो जाते हैं। एबिलिटीज पढ़ाते हैं तो चैप्टर पढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं रहती। स्टूडेंट खुद के टीचर बन जाते हैं। टीचर को कंसेप्ट पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो देखते हैं 10वीं के अलजेब्रा ज्योमेट्री में कौन कौन सी एबिलिटीज होती है और अलजेब्रा कैलकुलेशन, ऑपरेशन ऑन ब्रैकेट, पुट वैल्यू, फाइंड वैल्यूज, इक्वेशंस, हाउ टू फेस फॉर्मूला, सिंबॉलिक फॉर्म। फॉर ज्योमेट्री, कैलकुलेशन, इक्वेशंस, हाउ टू फेस फॉर्मूला, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शंस, ग्राफ। लेकिन इसमें कौन सी कॉमन एबिलिटीज है अलजेब्रा और ज्योमेट्री में? फर्स्ट कैलकुलेशन, सेकंड इक्वेशंस, हाउ टू फेस फॉर्मूला। तो हमें समर वैकेशन में प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसी कॉमन एबिलिटीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इतना तो हमें पता चलता है, ये सब एबिलिटीज की तैयारी करके लेते हैं तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें? सभी चैप्टर के कैलकुलेशंस, इक्वेशंस, हाउ टू फेस फॉर्मूला करने के लिए करना, यही समर वैकेशन का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। समर वैकेशन में जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं उसमें भी हम इस क्षमता की, इस एबिलिटीज की तैयारी करके ले सकते हैं या डिफरेंट स्टूडेंट के ग्रुप बना के ये एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट डेफिनेटली दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अनडेवलप्ड स्टूडेंट इजीली सीख सकते हैं। इससे हम स्टूडेंट की टोटल एनर्जी यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट वर्क को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अच्छे से टूल्स होने चाहिए। दो बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा, पहला प्रीटेक्स बुक 10th अलजेब्रा एंड दूसरा प्रीटेक्स बुक 10th ज्योमेट्री। सीखने और सिखाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस बुक का इस्तेमाल कैसे करें इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की तैयारी करनी है, चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। इस चैप्टर के पहले स्टूडेंट के पास कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए इसकी लिस्ट दे दी है।
इसी चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 6.1 सिखाने से पहले कैलकुलेशन करके लेते हैं तो और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सब फिगर्स रेगुलर टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं, ये ध्यान में ले। इनडायरेक्टली स्टूडेंट 6.1 के एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा है, आगे जाके उसी एक्सरसाइज के इक्वेशंस हाउ टू फेस फॉर्मूला के एग्जांपल देंगे। यदि स्टूडेंट ये पूरा एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, लेकिन उसे पता नहीं है, एक बहुत बड़ी मजे की बात है। जब भी हम टेक्स्ट बुक 6.1 लेंगे तो स्टूडेंट कहेंगे हमें आता है, हमने सब किया है। ऐसे हर चैप्टर का बेसिक इस प्रीटेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आप ही बताइए ऐसे एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से बेहतर कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। तो आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रिंसिपल है तो जरूर अपने स्कूल में इस प्रोजेक्ट वर्क को इम्प्लीमेंट करके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट 100% कीजिए। यदि आप टीचर है तो आपको इस प्रोजेक्ट वर्क का बहुत फायदा होगा, सिखाने में आसानी होगी। यदि आप पेरेंट्स है तो आप मैथ्स की स्टडी ले सकते हैं और छोटी छोटी एबिलिटी भी पढ़ा सकते हैं। जरूर अपने बच्चे से कनेक्ट हो जाइए। यदि आप स्टूडेंट है तो दोस्तों समर वैकेशन इज अ गोल्डन पीरियड, डोंट मिस इट। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके खुद के टीचर बनो, एंजॉय द स्टडी और प्रॉमिस करो समर वैकेशन में प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। तो सभी को एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए इन्फिनाइट रेस्ट टू इन्फिनाइट शुभकामनाएं। और एक बात, बेसिक कंसेप्ट अच्छे बनाने के लिए अपने खुद के हिसाब से सीखने के लिए प्रीटेक्स्ट बुक पैटर्न के बारे में जरूर जानकारी ले। धन्यवाद, थैंक यू।